फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करने का आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30, क्योंकि हमारी बेटी को स्कूल जाना है। तो ये देखिए, इसे हम नाश्ता से तैयारी करें टिफिन के लिए। तो हमने हरी मिर्च डाल दिया और उसके बाद हमने भिंडी डाल दी। सुबह सुबह का जो काम है जल्दी जल्दी निपटा ले। तो फ्रेंड अभी का हो रहा है 5:30, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस ये देखिए, हमने भिंडी भिजिया और रोटी बनती थी पूरी है। तो देखिए आपने हमने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए। अब जो 4 बर्तन है तो वो सब हम आदमी देने। फिलहाल कभी झाड़ू हमारे सारे घर में लग गया। बस अभी सब बच्चे सो रहे हैं, बिस्तर ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग सो रहे हैं। तो हमारी नींद 2 बजे रात ही खुल गई, पता नहीं क्यों। हमारे बताना कि जैसे हमने वैक्सीन लिया उसके वजह से पता नहीं, और सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो बस यही सब है, मैंने आपको बताया कि फिर ऐसे हो गया है जैसे कि बड़ों में भी जमा थे वो ऐसे गए। पता नहीं क्यों हमें हमेशा वही चेहरा आपके सामने है और घूमता रहता है। हर बात उनकी जो वहाँ जाए वैसे वैसे देखे, वही थे वही सब सोचते रहते कि देख लीजिए क्या है क्या। पता है कि दिमाग हमसे निकलता नहीं, इसलिए पहले आपसे हमने बता दिया कि क्या करें। किसी को बता देते हैं सबकी, लेकिन आप जब हम कैमरे के सामने होते तो जो हमारे दिल की बात रहेगी बहुत सारे आपको बता देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए। हाथ से धोने के लिए मन नहीं करा था, तो इसलिए हम मशीन में डाल दिए हैं। कपड़ा धुल जाएगा तो वो वही सब जैसे पर्दा था सारा रूम का, तो हम सारा चादर धोए तो पर्दा नहीं धोते, तो मशीन में डाल देंगे तो धुल जाएगा। और अभी का टाइम देखिए 5:30 पर हो रही है। देखिए तो हम जल्दी जल्दी काम अपना निपटा लेते हैं, फिर आप भी देखते रहे कैसे कैसे अपना जो भी सुबह का काम होता है वो कर लेते हैं। अभी पोछा नहीं लगाए, बस इन लोग के स्कूल चला दें, उसके बाद पोछा लगाएंगे, बर्तन धो चाट कर यही सब पड़ा है जो काम है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कपड़ा हमारा धुल गया मशीन में से। हमने मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मशीन में से हमने निकाल लिया। और कुछ कपड़े बचा ठहर बाकी है इसके डाल छत पे, ये बाल्टी वाला कपड़ा ना जो छत पे डाल देते। तो चलिए चलते हैं, छत भी काफ़ी गंदा हो ना छत। तो ये देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह हमारा गुलाब का फूल कितना अच्छा लग रहा है।
देखिए फ्रेंड, ये बड़ी का झोल बनेगा, खेसारी या भदवा का बड़ी, इसी का आज इसकी झोल बनेगी, झोल चावल। कपड़ा था, हमने सारा कपड़ा धो लिया है। अब तबीयत हमारी पता नहीं, इधर से नहीं, काफ़ी दिन से जब से हमने वैक्सीन लिया, बता चुकी हूँ सारी वीडियो में, अरे तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों, क्या कुछ हो ऐसे, तो आप बताइएगा कि हाँ ऐसे ठीक हो जाता है। तो बहुत सुस्त जैसा अंदर से फीलिंग, और घबराहट और बेचैनी, और हमें तो पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दवाई खाए तो नॉर्मल बताए डॉक्टर, लेकिन ठीक हो जाता, फिर इधर वही बेचैनी जैसे पहले होती थी। 2 साल हमें दवाई छोड़े हुए हो चुका है, जैसे बताया थे कि जैसे ज़्यादा था तो ज़्यादा MG वाला, जैसे जैसे डाउन होते गया तो वैसे वैसे हमने कम मतलब MG का दवाई खाने लगी। इतना तो हमें नॉलेज नहीं, जो डॉक्टर बोले वही हमें समझ में आया। तो फिलहाल तो आराम था, तभी हम छोड़ दिए थे, लेकिन वो बोले थे एक बार नहीं छोड़ना, बीच में एक बार और आइएगा, जब देखेंगे कैसा जांच करने के बाद, उसके बाद जो जैसा दवाई होगा हम दे देंगे, उसके बाद छोड़िएगा। लेकिन हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि हमें आराम भी लग रहा था, और प्लस है कि 1200 1250 तक फीस लेते थे, हम लोग छोड़ो आराम है तो क्या जाए। लेकिन 2 साल के बाद फिर हमें वैसे ही बेचैनी, अब ऐसे ही घुटन जैसा, अब ऐसे एकदम अजीब मन हो जाता है। तो रात को हम बताए ना 12-1 बजे से हम सोते नहीं, उस समय से जागे जागे सारा दिन ऐसे ही, फिर 12-1 बजे मतलब दोपहर के टाइम पे सो जाएंगे, और फिर शाम को सोते टाइम से 10 से 10 बजे गए सोने, अब 11-12 बजे तक यही सोए, फिर उसको जाग गए, फिर सुबह तक नींद नहीं आती है, तो यही प्रॉब्लम है। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड, आज हम मिट्टी से बाल धोएंगे, देखिए हमने ऐसा मिट्टी लिया, ये देखिए इस मिट्टी से हम बाल धोएंगे, इसको हमने पानी में फूलने के लिए डाल दिया, आधा घंटा पहले आप डालिएगा, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी टाइम लगता है फूलने में, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी, जो हाथ से भी आप ऐसे करो ना तो जल्दी वो अच्छा से चिकना के कारण वो कैसे गोला वोला जैसे बन जाता है वैसे रहते, इसलिए हम पानी में इसको आधे घंटे पहले डाल दिए, जब तक पोछा ओछा लगा लेंगे जब तक अच्छे से फूल जाएगा, जो भी काम है हमारा बाहर का वो भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बाल धोएंगे इसी से। तो ये देखिए हमने मिट्टी और लगाना है अभी पूरा, ये पूरा ये इस तरफ है ना, इस तरफ हमने नहीं लगाया, तो इसको अच्छे से लगा के खूब ऐसे ऐसे अपनी उंगली की फिंगर है ना, इससे आपको मसाज करना है ऐसे करके। ये हमारी दादी हमको हमेशा सब बहनों को लगाती थी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे बाल कमर से नीचे हमारा बाल था जब यहाँ हम आए थे तो शादी की, अब देखिए बाल हमारे पूरे बाल झड़ गए, और उस समय हम लोग इतना शैम्पू भी हम लोग को यूज करने के लिए नहीं मिलता था, तो मिट्टी से हमेशा हमारी दादी कहते थे बाल तो बढ़ता ग्रोथ बढ़ता, और जो माइंड है ना वो भी ठंडा रहता था बिल्कुल। तो इसीलिए एक दो बार हम भी अब यूज कर लेते, ये मिट्टी तो जल्दी मिलता नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से हम लोग, हाँ हम लोग गए थे गंगा जी ना, तो वो लोग कुम्हार लोग लेते हैं मिट्टी, तो वो चिटकी मिट्टी से बनते हैं जो भी मूर्तियाँ बनती हैं, बालू वाला मिट्टी से नहीं बन पाता है, तो बस वहीं गए थे तो थोड़ा सा ले आए थे इतना सारा, तो बस इतना बचा है, हमने तो 3-4 बार यूज कर लिया, तो बस धो लेते हैं अच्छे से मसाज करके। तो फ्रेंड हम नहा के आ गए, अब चले सिंदूर बिंदी थोड़ा सा कर लेते, जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मिट्टी से धोने के बाद कुछ इस तरीके से हैं बाल हैं,
ये धोने से मैं क्या लगता है ना, पूरा ये जो सर का हमारा है ना, पूरा माइंड ठंडा रहता है। बहुत ठंडी करती है मिट्टी, ऐसे तो सबको पता है कि मिट्टी काफ़ी ठंडी करती है। तो ये देखिए हमें बाहर काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं धोने के बाद, बहुत सिल्की जैसा लगता है। कोई कहेगा हाँ मिट्टी से धोने से ऐसा होता है, अभी ट्राई करके देखिएगा तभी तो पता चलेगा। तो बस थोड़ा सा बाल ऐसे हल्का हमने कंघी कर लिया, अब जा रहे हैं इसको हल्का सा जूरा बना लेते हैं। फिर जूरा बना के पूजा का बर्तन हमारा रखा, देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूजा का बर्तन है, सब धोना है। अब भगवान जी का कपड़ा हमारा 15 दिन हो गया रखे हुए, हमने नहीं धोया कुछ लेडीज प्रॉब्लम की वजह से, और जब धोने के टाइम है तो फिर इधर वो कुछ हो गया, इसी की वजह से हम नहीं धोए। तब चलते धो लेते हैं, मिलते हैं बर्तन धो लेते, तब बर्तन धो लेते तो फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड हमने अच्छे से सारे कपड़े चेंज कर दिए, ये भी चेंज कर दिया, और सब भगवान जी की जितनी चुनरी थी सब हमने चेंज कर दिया, और ये सब सारा पोछ दिया था क्योंकि धूल मिट्टी, अब 6-7 दिन से हमने पूजा नहीं किया था तो सारा धूल मिट्टी सब ठाकुर जी को भी, ये देखिए चेंज हमने कर दिया। ये देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लगते हैं। तो सब भगवान जी को हमने चेंज कपड़ा चेंज कर दिया और बिल्कुल क्लीन होगा। और ये देखिए धोने के लिए सारे कपड़े, ये देखिए सारे कपड़े धोने के लिए बर्तन है, कुछ बाहर भी कपड़े हैं बर्तन है। तो चलते हैं सारा धो लेते हैं जल्दी जल्दी, कपड़े भी धो लेते हैं और पूजा के बर्तन में फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँ, क्योंकि कपड़े छोड़ देती हूँ ना तो फिर बाद में थोड़ी सी लगती कि शाम को धो लेंगे, लेकिन लगे हाथ कर लेती हूँ तो फिर ठीक है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम पूजा कर लिए, जस्ट अभी किए हैं, तो हमने धूपबत्ती जला दिया था, हाँ दिया नहीं बारी हुमात दिखा दिए भगवान जी को। तो बस जा रही है, देखिए पूजा का सब छोटे छोटे बर्तन है, भोग लगाई थी, बस धो लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो ये फ्रेंड तो अभी जस्ट हम नाश्ता करने के लिए बैठे, तो ये देखिए ये जो हमने दिखाती हुई एक मिनट, तो ये हमने बड़ी का जो झोर बनाया था ना वो है भिंडी का भुजिया रोटी। तो जस्ट 12 पूरे बज चुके हैं, तो मैं खाने के लिए भी बैठी हूँ, और हमने चश्मा इसलिए लगाया कि जब मैं आँखों में अब बाम सर में काफ़ी दर्द है, इसलिए हमने लगा लिया है, 1 घंटा लगाए हुए हो गया। तो देखते हैं आराम हो जाता तो फिर रख देते हैं डब्बा में करके, वापस फिर दर्द शुरू होता है फिर लगा लेते हैं। तो हम कहें कि दिखा दें प्रसाद खा लिए थे, जो भोग हमने भगवान जी को लगाए थे ना मिश्री, तो वही हम प्रसाद खा के थोड़ी देर बैठ गए, फिर हमने भी नाश्ता लिया, 1 घंटा बैठ गए, मतलब बैठ गए थे 1 घंटा के लिए, क्योंकि काम लगता है आप करो ना फिर उसका आओ बैठने के लिए तो लगता है कि रेस्ट कर लें। तो बस ये देखिए हम खा लेते हैं तो फिर मिलते हैं। देखिए हो सकता है तो आज मैं हमने मार्केट, क्योंकि हो सकता है कि जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने हमें एक जगह से न्योता आया है, तो वही जब देखिए मैं क्या लेके आती हूँ, जो भी लेके आऊँगी आपको दिखाऊँगी। कहीं मार्केट वैसा मतलब शांति हो तो मैं आपको एक हो जाता है कि देखिए आपको कोई मोबाइल पकड़ने वाला मिलता है चाहे कैमरा करने वाला मिलता है तो आपका हाथ फुर्सत में रहता। अब आप मार्केट में जाओ तो चीज़ जो आप ख़रीदने जा रहे वो आप देखोगे कि मोबाइल पकड़ोगे कैमरा करोगे फ़ोटो मतलब वीडियो बनाओगे, तो नहीं हो पाता है अकेले, कोई रहता है ना साथ में तो हो जाती है हेल्प, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है। तो देखिए कोई साथ जाता है तो अच्छे से हम वीडियो ले लेंगे, वरना नहीं ले पाएंगे, जो हम लेके आएंगे वो आपको घर दिखा देंगे, क्योंकि बाहर में कोई पकड़ने वाला होता है ना कैमरा करने वीडियो बनाने वाला तो बहुत आराम होता है, वरना इतनी भीड़ भड़क्का होती है आप तो समझ ही सकते हो। तो इसीलिए फ़िलहाल तो खा लेती तो फिर आपसे मिलती हूँ, और मार्केट में कहीं जाऊँ तो वीडियो वहाँ का मान लीजिए हम बनाते हैं तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और नहीं तो जो सामान लाऊँगी वो दिखाऊँगी। फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय। ये देखिए फिर हमें शाम दिखा दिया इस समय शाम का हमने दिखा दिया है, तो काफ़ी दिन के बाद पूजा की, जैसे 10 दिन तो हो ही गए होंगे हमें पूजा की हुए। तो देखिए सारे क्लीन अच्छे से कर रही, तो कितना अच्छा लग रहा है भगवान जी साहब। और ये हमारे घर के इष्ट देवता हैं, इनको भी हमने दिया यहाँ लगा दिया, आज छत पे हवा है तो इसलिए हम तुलसी में दिया नहीं दिखा पाए, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये देखिए हमने सारे पर्दे से लेके सारे चीज़ धो दिए थे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे भगवान जी सब, ये ठाकुर जी हमारे बैठे हैं।
फ्रेंड हमने शाम देख देख बोले दिखा दिए आपको कि हमें शाम दिया लगा दिया भगवान जी को, छत पे नहीं गई, हवा काफ़ी तेज चल रही है, फिर छत पे दिया हमने नहीं दिखाया, फिर धूप बत्ती दिखा के वहीं पे रख दी। और मार्केट हम जैसे बोले आपको कि हम जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए, हमें तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जाते हैं तो आते तो खाना बनाने के बिल्कुल मन नहीं करता, आपको 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तो बहुत मन ख़राब हो जाता है। जिसकी अपनी गाड़ी है उनके लिए तो ठीक है, हम लोग के पास नहीं है तो पैदल जाना पड़ता है, तो काफ़ी बुरा हाल हमारा, तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, इसलिए हम नहीं गए। इसको देखिए मुंह बना के बैठा है, था हाथ तक कैमरे पे, इसको देखिए। आ दो दो भाई बहन गए हैं मार्केट, जैसे कि बताते ना हम लोग को बैरिया बाजार है, तो देखिए लेके आते जो आपको दिखाएंगे क्या क्या लेके आता है, जो बोले वही लेके आता है, उससे एक्स्ट्रा लेके नहीं आता है, तो वही गया है लाने के लिए। जब लेके आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, फिलहाल तो चलते हैं खाना बनाने के लिए, देखिए खाने में क्या बनता है। कुछ सिंपले सोचे हैं, चना हमने सुबह फूलने के लिए दे दिया, तो हो सकता है चना आलू की सब्जी और रोटी बना लेंगे, तो चलिए फटाफट कर ही लेते हैं, बैठने से कोई मतलब है नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने चना आलू की सब्जी हम बना ली, जैसे कि आपको हमने बता चुकी थी, तो ये चना आलू की आज सब्जी है और रोटी है, फिलहाल जल्दी जल्दी बना लें, क्योंकि जो बच्चे लोग गिफ्ट लेके आए वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन हाँ जो गिफ्ट लेके आए हैं चलिए उधर मैं बताते हैं फिलहाल। तो फिलहाल हम इसमें सब मसाला डाल चुके हैं फ्रेंड, ये देखिए अब इसको थोड़ा सा कम फ्लेम पे करके से हम भून लेते हैं, तब तक लीजिए गिफ्ट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड जो बच्चा पार्टी लाए हैं सामान वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिलहाल हमने आपको बताया था क्या है, फिलहाल हमने आपको बताया था कि मैं मार्केट जाने वाली थी लेकिन नहीं गई, तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। देखिए ये अनुष्का रानी कैसे छिपती है, देखिए शर्माती है बच्ची, नहीं छिपती। तो देखिए जो बच्चे को हम बताए ना, फिलहाल जो हमारा नेता आया, चलिए बिस्तर पर सीधा कैमरा कर देते हैं, अरे बिहारी में जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं। तो बहुत बेटा हुआ है छठियार, उसका है कल ही है, तो उसके लिए हमने कपड़ा मंगाया, साड़ी आया है, फिलहाल हमारे पास साड़ी थी नई, साड़ी हमने इधर ली थी, तो वो साड़ी हमने हमारा साड़ी वो रखा हो, तो फिलहाल ये देखिए, तो बताइएगा जरूर कि बच्चा का कपड़ा कैसा था, अच्छा लग रहा है। तो ये कपड़ा है और इसके साथ ये पैंट, कितना अच्छा लगता है ना छोटू सा कपड़ा, ये देखिए सर, और इसके साथ ये पैंट है, और ये देखिए ये हाथ गोल में जो डारा डोरा होता है ना पहनाना पड़ता है, तो यही हाँ है, तो ये वही है। और मैं आपको दिखा दूँ, फिलहाल मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी गिफ्ट कि क्या आया है, और जब मैं कहीं आपको दिखा दी तो इस वाली वीडियो में नहीं, जो गिफ्ट जिसके लिए आया उसको ही देखिए, कपड़ा अच्छा काफी लग रहा है छोटू सा, तो बस यही है फ्रेंड। अब चलिए अब चलते हैं किचन में, सब्जी चला गए, इसको रख दो अभी बाद में पैक होगा। ये देखिए फ्रेंड जो गिफ्ट हमने देने के लिए लाए, अपना भाई लाया बहन को देने के लिए, तो वही है, हम नहीं लाने गए थे जैसे बता ही चुके हैं, ये जो अपना लाया है देने के लिए, तो सब रखा है। और खाना तो हमारा बन गई, सब लोग खाना शुरू कर दिए हैं, तो फ्रेंड देख लिए ना, ये देखिए गिफ्ट देने के लिए लाया है, तो तो ये देखिए फ्रेंड हमने ये साड़ी और बच्चे का कपड़ा हमने दिया है, तो ये देखिए सिंदूर बिंदी हमने लगा दिया था, देखिए कलर कितना अच्छा है, ये देखिए। और पेटीकोट हमारा मैचिंग का नहीं मिला, तो जो था हमारे पास वही हमने दे दिया, तो देखिए कुछ लोग कैसा है तो बताइएगा जरूर कैसा था कमेंट में। तो फ्रेंड वीडियो आया पसंद तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, तब तक के लिए बाय गुड नाइट। हमने जो भी लाया ये लोग लाए हैं, हम तो नहीं लाए, सब कुछ दिखाया आपको, हाँ तो तब तक के लिए बाय, चिल्ला रहे हैं हमको तो पता नहीं क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, खाना तो दे दिए, तो फिलहाल जाते हैं देने, बाय गुड नाइट, क्योंकि रात हो चुकी है, 10 बज चुके हैं।